देश में पश्चिमी मॉनसून का सीजन अपने पीक पर है, लेकिन इस मॉनसून सीजन में कई राज्यों में बेहद ही कम बारिश दर्ज की गई है। राज्यों की इन सूची में बिहार का नाम भी शामिल है, जहां इस मॉनसून सीजन यानी जून से अगस्त के बीच सामान्य से 41% कम बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से राज्य में सुखाड़ जैसे हालत बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए बिहार सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। इस संबंध में बिहार के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा की है। वहीं बिहार में कम बारिश की वजह से धान की खेती पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन इस वजह से मक्के की खेती भी प्रभावित होती दिखाई दी है। इस संबंध की जानकारी बैठक में जिला कृषि अधिकारियों ने दी है। बैठक बांका जिला कृषि पदाधिकारियों की माने तो 9,270 हेक्टेयर में मक्के की खेती का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन 4,573 हेक्टेयर में ही मक्के की खेती हो सकी है। इसी तरह मक्के में बदले मखाना की खेती में भी बढ़ोतरी होने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ किसान मक्का के बदले जूट और धान में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कम वर्षा के कारण मक्के की खेती में कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप 19,031 लक्ष्य के विरुद्ध 14,020 हेक्टेयर में ही मक्का की खेती हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।